क्या आपके बच्चों को भी रीडिंग में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तरह फ्लुएंट रीडिंग कर सके? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जिसके कारण आपके बच्चे की भी रीडिंग इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहले मैं एक सेट ऑफ वर्ड लूंगी, ए टी एट, एट, साउंड से इसे पढ़ेंगे एट, एट। अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। क एट कैट, ब एट बैट, एट फैट, स एट सैट, एट मैट, एट रैट, प एट बैट। अभी आपने देखा सिर्फ ए टी एट सेट ऑफ वर्ड से हमने कई सारे वर्ड्स बनाना सीख लिए, कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, रैट, पैट। अब हम देखेंगे इसे हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट। ये फैट कैट सैट मैट ये सारे वर्ड्स इसके अंदर आ चुके हैं। अ और ऑन ऐसे वर्ड्स हैं जो कोई भी बच्चा इजीली रीड करना सीख सकता है। नाउ मैं दूसरा सेट ऑफ वर्ड लूंगी, आई एन जी, इंग, आई एन जी इंग, आई का साउंड ई होता है, एन उंग ग, इंग। अब इससे हम डिफरेंट वर्ड्स बनाना सीखेंगे, एस आई एन जी सिंग, स इंग सिंग, व इंग विंग, ब इंग बिंग, क इंग किंग, र इंग रिंग। सो इस तरह से बहुत इजीली हमने फाइव वर्ड्स अगेन बनाना सीख लिया। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इजीली इसी तरह से फास्ट रीडिंग करना सीख सके और वर्ड्स की स्पेलिंग्स लर्न करना सीख सके और नए नए वर्ड्स बनाना सीख सके, तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और नंबर डालिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट बैक करूं। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई ऑल अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।